दोस्तों, जब भी कोई स्टॉक एक स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड में हो और प्राइसेस में हमें काफी तेजी से बढ़ोतरी आते हुए देखने को मिली हो, तो कई बार ऐसा होता है कि स्टॉक में हमें एक ठहराव आते हुए देखने को मिलता है और स्टॉक एक कंसोलिडेशन मोड में चला जाता है। अब स्टॉक में हमें लगातार लोअर हाईस और हायर लोस फॉर्मेशन बनते हुए देखने को मिलती है, जो कि कंसोलिडेशन की तरफ संकेत दे रही होती है। और ये जो पैटर्न अब आपके सामने फॉर्म हुआ है इज कॉल्ड दी सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न एंड इट इज अ ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न। ये एक त्रिकोण शेप्ड का पैटर्न होता है दोस्तों, एक ट्रायंगल शेप्ड का पैटर्न होता है और ज्यादातर ये आपको एक अपट्रेंड में फॉर्म होते हुए देखने को मिलता है। इस पैटर्न को ट्रेड करने के लिए सबसे पहले आपको एक ब्रेकआउट का इंतजार करना है और ब्रेकआउट होने के बाद जब स्टॉक वापस से अपनी जो ऊपरी ट्रेंड लाइन है उसको रिटेस्ट करता है, वहां पर आप अपनी पोजीशंस में एंटर कर सकते हैं। स्टॉप लॉसेस आपके निचली असेंडिंग ट्रेंड लाइन के नीचे प्लेस होंगे। टारगेट्स के लिए सबसे पहले तो ऊपरी ट्रेंड लाइन और निचली ट्रेंड लाइन के बीच की दूरी को मापें और उस दूरी को ब्रेकआउट पॉइंट से प्रोजेक्ट करें। टाइम फ्रेम कौन सा इस्तेमाल करना है उसके लिए ये वीडियो को देखें, लिंक इन डिस्क्रिप्शन।